देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है बाबू, ये मूल समान है या असमान, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर होशियार बच्चा होगा तो एक नंबर ऐसा ही आ जाएगा सिर्फ सवाल को देख के। 9x² - 12x + 4 के मूल समान है या असमान, फर्स्ट ही टर्म उठ गया है क्वेश्चन में, समान है या असमान है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, अगर समान है यानी कि फाइनल बात हो गया कि समान ही है, समझ में आया कि नहीं, तभी तो कह दिया है कि ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें, समझ में आ गया। चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे हमने समीकरण को लिख दिया, ए बराबर 9, बी बराबर -12 और सी बराबर 4, तो डी बराबर b² - 4ac, ओके। माइनस बारह का क्या हो गया बाबू, स्क्वायर माइनस फोर है तो 4 × a का मान क्या हो गया, 9 × c का मान कितना हो गया, 4। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 144 यानी बराबर हमारा क्या आ गया बाबू, 0। चलिए जब हमारा मूल जब 0 आ गया यानी d का मान जब हमारा जब 0 आ गया तब हम इस मूल को निकालते कैसे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हम इस बात को जानेंगे, थोड़ा ध्यान दे देंगे। यहाँ पे जब हमारा मूल क्या आ जाए, मूल जब हमारा d का मान 0 आ जाए तो मूल निकालेंगे कैसे, सूत्र यही ना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 × a। थोड़ा ध्यान देंगे आप उस पे, d का मान क्या आया है 0, यानी ये यहां से यहां तक d का मान 0 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है कि है, कोई वैल्यू नहीं है, हटा दिया इसको तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस बी बाई 2 a, तो माइनस दे देंगे, b का मान क्या है देख सकते हैं, -12, यहां से उठा के हम इसको यहां पे डाल देंगे, -12, 2 माइनस हो गया देख सकते हैं यहां, बटा 2 × a का मान क्या है, 9, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12, 9 × 2 = 18, दोनों 6 के पारा से कट गया, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 यानी 2/3 आ गया है हमारा आंसर, आप लोग इसे उतार सकते हैं फाइनल ते हैं, दिए थे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या था क्वेश्चन बाबू, 16x² चलिए वही हो गया 14x + 25, इसका आप आंसर निकाल के हमें बताएंगे, अगर मूल अगर समान होगा तो आप मूल ज्ञात करके जवाब देंगे।